अरे डॉली दीदी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना तू कैसी है? बस ठीक हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बेटे की बहू को तुम घुमाने लाए हो। आपका बेटा नहीं आया? दीदी बेटे की बहू? हाँ आपके बेटे की बहू, आप इसके ससुर ही तो हो ना। ये शायद तो बड़ी कम दिखता है। क्या कम दिखता है? कम? हाँ तुम अपना इलाज करा लो। क्यों? आँखों का। हाँ क्यों? हाँ मैं इसका पति हूँ। पति हूँ मैं इसका। कैसे? कैसे मतलब ये साबित करना पड़ा कि कैसे? अरे पति हूँ मैं इनका। हाँ दीदी ये हकीकत है, यही मेरे पति हैं। दीदी मेरी तो मट्टी क्या गांव में घुसते घुसते दिमाग खराब कर दिया। पिताजी ने मेरी मट्टी खराब कर दी। दीदी ये बुढ़ा तुम्हारा पति है? हाँ दीदी। अरे चुप हो जा। अरे ये तो 80 से भी ऊपर का लग रहा है, ऐसा लग रहा है कल परसों में ही मर जाएगा। अरे मरे तेरा बाप, मेरा मैं को मर जाऊंगा? अरे मेरे पिताजी तुमसे छोटे हैं 2 साल। अरे तो पिताजी छोटे हैं। तुम तो पिताजी से भी बड़े निकले। पिताजी छोटे हैं। तू एक बात बता, तूने ऐसे इंसान के साथ शादी करी? दीदी बस पूछो मत, पिताजी ने ना पैसों की लालच में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे क्या परेशानी है तुझे? है नी कैसे बुराई कर रही है? क्या कर रहे सब है? गांव में घुसते घुसते तूने ढंग शुरू कर दिया। मेरे यहाँ तो बिल्कुल हंस खेल रहे, खूब मौज ले रहे जिंदगी की। वो हंस नहीं खेल रही थी। बीच में मत बोला है। और गांव में घुसते घुसते तूने तस्वीर बहाना शुरू कर दिए। वहां पे पिताजी थे। मैं तो कह रही हूँ तो इसे छोड़ दे। ऐसा चुप रही हो जैसे वैसा ही मेरे लिए। दिमाग मत खराब करियो और मेरी बीवी को भड़का मत। बीवी है? हाँ। किसी भी एंगल से लगती है। हाँ ना मैं तो किसी एंगल से नहीं लग रहा। अरे पहले मालूम है तुम लोग नए रीति रिवाज के लोग, पुरानी रीति रिवाज में जाओ। 12 साल की लौंडिया हुई करती, 60-70 साल का होता, मेरी क्या इतनी उम्र है? 40-45-50। अरे कम से कम इसके बाप में बुद्धि नहीं थी, तुम में तो बुद्धि थी कि कम से कम मुझे तो इतनी कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा मतलब मुझ में बुद्धि होनी चाहिए। सही कह रही है दीदी। कितने बताया तुझे? एक मिनट रुक जा, मैं इनसे ही बात कर लूं। कर ले तू। और हाँ, हाँ अगर तुम ये सपना देखो कि मैं तुमसे जीजाजी कहूँ तो मैं तुम बिल्कुल मत कह जीजाजी। हम तो इस गांव में भी ना आएंगे। अबे फकीरों का गांव है ये। क्या? अबे हमें यहाँ पैर भी ना रखा। फकीरों का? और अरे तुम बोल कहाँ से रहे हो? अबे फकीरों का गांव है, यहाँ कदम भी ना रखा। अबे हमारा गांव देख, हमारे देख, बाग हमारे, आम के, अमरूद के, और सुन 50 बीघा जमीन पड़ी है हम पे। हमसे ज्यादा हमारे गाँव में कोई मालदार ना। और सुन शहर चली जा, हमारे कोल्ड स्टोर है। अच्छा। और हमारे तो बड़ी बड़ी मंडी है, तुझे मालूम है? तेरी क्या औकात है? हाँ, तेरी रास्ता छोड़, चलने दे हमें। अरे सुन तो लिया करो यार। हाँ सुना। अगर तुम इसके पति ना होते ना तो वो तुम्हारी झाम उतारती मैं कि तुम्हें जिंदगी भर याद रखते। यहाँ कदम रखना भी नहीं चाहते और कदम रख भी दिया। अब खड़े हो यार। चलो चलो चल चलो। पूरी की पूरी शादी लेके खड़े हो। खड़े खड़े ना रहेंगे, बगना हमारी बीवी ना। मेरी तो जिंदगी नरक बन गई है दीदी। अरे फिर अरे तू चल रही है ना? चल रही है। फिर अभी उल्टा वापस हो जाऊंगा, उल्टा वापस हो जाऊंगा गाँव को। ठीक है चलो। हाँ चल ठीक है दीदी। ठीक है ध्यान रखना अपना। चल 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 ध्यान रख लिया। आगे बढ़। अरे ये बुढ़ा तो बड़ा खराब है। अरे बेटा आ गई तू? अरे भैया नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा। कैसे हो भैया? मैं अच्छा हूँ। ससुर दी जी गए तुम्हारे? अरे उसमें रही हो? अबे अभी तो पहले ही कदम रखा है गांव में कि ससुर जी है। कौन है ये? अबे तुम्हारा जी जाऊं मैं। जी जाएंगे? सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। भगवान घोर कलयुग। क्या क्या कलयुग? क्या घोर कलयुग? अरे ऐसे कलयुग में मतलब ये बुड्ढे को शरम आनी चाहिए। ये जीजाजी को बुड्ढा मत कहियो। वृंदावन शरम ना आ रही तुम्हें? क्या तुम्हें शर्म ना आती है? हम इज्जत कर रहे हैं हमारे साले साहब। अरे शर्म काहे की करें हम? बुड्ढा सुड्ढा मत बकना, जवान को लगाम तो हम। अरे नहीं फिर हम आपसे बाहर हो जाएंगे। आज मरे तो कल मत जाए। कुछ बताए अभी मर जाते हैं तेरे बाबा, हम क्यों मर जाएंगे? ना हमारे पिताजी मर रहे, अभी हमारे पिताजी भी होंगे। अभी पिताजी भी तुम्हारे? और क्या भाई, ये काम संजय चौधरी है, सुखा कमांड है। तुम्हारे पिताजी ने ऐसी वजह से ही मेरे पिताजी ने बुड्ढे के साथ शादी कर दी।
हे भगवान, ऐसे घोर नरक में भेज दिया अपनी बेटी को जिसका कोई जवाब नहीं। इतनी नरक बन चुकी है भैया। बेटा मैं समझ सकता हूँ, उनकी बर्बाद हो चुकी है मेरी। फिर देख, है चुप, फिर तू चल सीधी घर चल, मैं तुझे बता रहा हूँ। ठीक ठीक गांव में ये हरकत मत कर, मेरी बदनामी मत कर, नहीं मैं वापस हो जाऊंगा। सुन लियो, ना 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 ना, ना तुम वापस मत हो भैया, तुम जाओ, कोई याद नहीं हुआ, जाओ जाओ। साले जराम भड़का रहे हो हमारी बीवी को। अरे भड़का रहे हैं। रुकिए पिताजी, पिताजी। अरे वाह, अरे दामाद जी नमस्ते, और सब बढ़िया? हाँ सब, कृपा सब बढ़िया है साहब। लल्ली कैसी है? बढ़िया है ना? बढ़िया ही होंगी पिताजी। हाँ तो बढ़िया है, चलो बढ़िया है। आओ दामाद जी चाय नाश्ता करवाओ। आप चाय नाश्ता नहीं, सुनो बताओ पहले हमारी बात। बताओ बताओ, तुम तो बहुत बढ़िया हो हमारे। हाँ मगर तुम्हारी बेटी जो है देखो हमारे घर में खूब बढ़िया हंस रही है, बोल रही है, नौकर चाकर सब लगे हुए हैं। अच्छा, कोई कमी ना है। ठीक है ठीक है, ये आवाज निकाले उससे पहले नौकर खड़ा हो जावे। बहुत अच्छी ठीक है, ये बर्तन धोने के लिए जावे फौरन नौकरानी किचन में घुस जावे। हाँ। अरे नहीं मालकिन मैं बर्तन बांधने जा रही हूँ। अच्छी बात है। ठीक है, और माँ खूब हंस रही है, बोल रही है, गाँव में बैठ रही है, उठ रही है। मगर गाँव में घुसते ही इसने अपनी सहेलियों से मेरी बुराई शुरू कर दी। ये बर्दाश्त ना करूंगा सुसर साहब, सुन लो। हाँ। मतलब तूने दामाद जी की बुराई करी? अरे तेरा पति तेरा देवता बराबर है, पति को हमेशा देवता भगवान की निगाह से देखना चाहिए, और तू इनकी बुराई करके कहाँ जाएगी? ये तो तेरे जीवन के संगी है अब। पिताजी एक तो आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और कहते हो जी देवता है। अरे ये इतना खड़ूस आदमी है कि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। बकवास बंद कर अपनी, ये दामाद जी है हमारे, और ये इनने जिंदगी बर्बाद नहीं की, इनकी रहमो करम पे तू पल रही है। इन पे क्या नहीं है, दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर की दौलत, कोटी मकान नौकर चाकर सब कुछ तेरा है। पिताजी पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा ही सब कुछ होता है, बिल्कुल सही कहा। पहला भगवान वो है और दूसरा भगवान पैसा है। एक सुन, कटकटी जुबान चलाना बिल्कुल बंद कर दे, और आज के बाद जो जुबान तूने अब गांव में खोली है अब दोबारा खोल मत देना। कहीं गरीब के यहाँ गई होती ना तो सूखी रोटी भी तुझे मैसर नहीं होती। हाँ। तुम जैसा मुद्दा पीपे के पीपे हमारे यहाँ गोदाम भरे पड़े हैं देसी घी के। हाँ समझे, चलो चून के कट्टे भरे पड़े। कोई बात नहीं दामाद जी, बच्ची है गलती हो जाती है। आओ अंदर। ठीक है, अरे आओ आगे आओ। आज तो नमस्ते करने को भी दिल नहीं करता। तो मत करना, कौन कह रहा है। अरे रुको, लेकिन बात तो सुनते जाओ। जा कहाँ रहे हो? कहीं नहीं, अपने काम से जा रहा था। दामाद जी घर पे आए, रबड़ी लानी है, रसगुल्ले लाने हैं, नाश्ता वास्ता करवाऊंगा उन्हें, ऐसे चला जाओ। दामाद जी नहीं कहो उन्हें, तो उन्हें तुम अपना ही बाप कहो। बकवास की बात है क्यों? अपनी बेटी का दादा। फालतू की बातें क्यों करती है? एक बात बताओ ताऊ जी। हाँ? तुमने अपनी लड़की के लिए लड़का देखा या मौत का कुआ? मौत का कुआ? अरे तुम जानते भी हो जितनी तुम्हारी हैसियत नहीं उतनी उसकी औकात है। तुम्हारी हैसियत और उसकी औकात में जमीन आसमान का अंतर है। चलो मान लिया उसकी हैसियत हमसे बड़ी है। हाँ। हमारी हैसियत उससे छोटी है। हाँ। लेकिन अगर हमारे पति देखोगे। हाँ। तो पूरा गांव ठाट से कह सकता है कि ये है सोनिया चौधरी का। अरे तो क्या करे, चाटे ऐसे पति को, जब पैसा ही नहीं है तो चाट लोगे ऐसे पति को। दुनिया भर के फालतू की बकवास मत कर। पैसा भी है? कुछ नहीं है, 50,000 रुपए महीने कुआ। अरे काय के 50,000, अरबों रुपए की जमीन जायदाद देखी है मैंने अपनी लड़की के लिए। इतनी रो रही थी, दुखी थी, रो रही थी, और वो बुड्ढा साला ऐसा मन कर रहा था एक मारू खींच के। अब बताओ 10 साल, अरे 10 साल तो बहुत दूर की बात रही, 5 साल बाद ही वो मर जाएगा। अरे आधी में सच जाएगा। मैं तो यो कह रहा हूँ कल ही मर जाए वो। पूछ क्यों, कल को वो अगर मर जाता है तो उसकी जमीन जायदाद सब मेरा, सब मैं कब्जा लूंगा, फिर अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा सुखी परिवार देख के उसको ब्याह दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। हे भगवान। हाँ। इस धरती पे। हाँ। ऐसे पापियों को क्यों पाल रखा है? पाल नहीं रखा बेटा, हम जैसे पापियों की इस धरती पर जरूरत है, क्योंकि सीधे आदमी का आजकल कोई बोलबाला नहीं। जब तक आदमी तेज तर्रार चालाक ना हो। लड़की तक इतना रो रही थी ताऊ जी। हाँ। मुझे बड़ा तरस आ रहा था। इतनी अंदर से बनने की कोशिश मत कर, लड़की मेरी है, मुझे उसके आंखों के आंसू देखने दे, तू मत देखे। और बीच में आज तो तू टांग घुसेड़ने, बहुत टांग घुसेड़ने लग गई है, अपनी टांगों को अपने पास ही रख, कहीं ऐसा ना हो ये टांग जड़ से काट दी जाए। चल रहा हूं मैं, गुस्सा कर रही है, ऐसे फूंक फूंक कर रही है नागिन की तरह। हाँ ये बताइए, हम जब गांव में घुसे थे। हाँ। तो पहले वो लड़की नहीं मिली। हाँ, तुमने उससे बुराई शुरू कर दी हमारी, है ना? बुराई के लिए खासियत ही क्या है तुम्हारे अंदर? क्यों, कौन सी खासियत नहीं है हमारे अंदर बता?
कौन सी खासियत नहीं है हमारे अंदर बता, एक थोड़ी उम्र ही तो ज्यादा है हमारी। हाँ तो मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे आदमी। अच्छा फकीर चाहिए तुझे, जब भिखारी हो मैं? तुम ही पैसे वाले हो क्या, और क्या मर गए हैं सब? तो फिर कौन है तेरा बाप ने ब्यायो कहीं, तू क्यों ना ब्यायो? पिताजी की वजह से ही मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। पिताजी की वजह से रह रही है? तुम जैसे इंसानों को तो मैं पूछती जब ही कह देती, जब कह देती कि मुझे ना करनी, देखा ना तूने सब देख लिया तूने, पहले से देखा होता तो शादी नहीं करती। और दूसरा वो मिल गया लड़का है गांव में, उस तूने उससे बुराई कर डाली मेरी है, तो मेरे घर में रहना ना। तो जो बात है वही ऐसा है, कैसे कह देगी, किससे पूछ के कह देगी, खा हमारा रही है, पहन हमारा रही है, और तू हम पे कह देगी, क्या कैसे क्या क्या कैसे देगी तू? मतलब तुम है अबे फकीर घर की भिकट्टी है, ऊपर से तू चबड़ चबड़ कर रही है और अभी भी कर जा रही है अकेले में घर में आ गए है। वैसे तो खूब खेल रही कूद रही गांव में है, मेरे सगर में अपने गांव में जाते ही तू बिगड़ गई, क्या हो गया तुम्हें? तुम पैसों को धौंस मेरे ऊपर दिखा रहे हो। क्यों ना दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा, तेरे पिताजी ने ना करी। ठीक है अगर तुम्हें पैसों का धौंस ही दिखाना है तो आज मैं पिताजी से जाके ही कहूंगी, और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। पिताजी से कहेगी? हाँ। हम तेरे गट्टे तोड़ देने से पिताजी कर रहा है ना। नहीं नहीं क्या कर रहा है, नहीं 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 नहीं, बैग उठा बैग उठा बैग उठा बैग उठा बैग उठा, अभी तो तुझे और बताऊंगा। नहीं चल नहीं चल चल बैग। अरे डॉली। अरे दीदी क्या बात है? दीदी बस पूछो मत, उस आदमी ने मेरी मट्टी खराब कर रखी है। दीदी मतलब तेरे चेहरे पे ये निशान क्यों लगे हुए हैं? दीदी मुझे तो जब मैं यहाँ से गई ना, जो मैंने आपसे कहा था ना कि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, तो उसी ने घर पे जाके मुझसे बदला लिया और मुझे डंडों से मारा। बदला लिया? हाँ मतलब मारा तुझे? मारा दीदी। वो बुड्ढा होने के साथ साथ जालिम भी है बहुत ज्यादा, जहाँ तक कि मेरे पहनने का खाने का उसका भी हिसाब लगा रहा था कि क्या? मेरा खाती है मेरा पहनती है। अरे जब तेरे साथ आई हूँ तो तेरा ही खाऊंगी, किसी पड़ोस वाले का थोड़ी नहीं खाऊंगी मैं। वही तो दीदी, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या मेरे पिताजी। लेकिन अब तू किस, अब कहाँ जा रही है तू? अपने पिताजी के जहाँ। तू बहुत अच्छे इंसान के पास जा रही है, जिस इंसान ने उस मौत के कुएं में तुझे धक्का दिया और एक बार भी झाँक के ये नहीं पूछा कि बेटी तू सुखी भी है। चलो मैं मानती हूँ किया सो किया, लेकिन एक बार भी पूछा तुझसे कि तू ठीक है या नहीं, नहीं तू भले ही मत बता, लेकिन तेरी आंखें मुझे सब कुछ बताती हैं। आज मुझे अपने पिताजी से कहना है कि उस जालिम इंसान के साथ मुझे नहीं रहना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ नहीं रह सकती। दीदी तू ठीक है, एक काम कर तू जा, ठीक जा अपने पिताजी के पास। ठीक है दीदी। बताओ कितना जालिम आदमी है। पिताजी। हाँ मैं। यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? कल तो तू गई थी। हाँ मैं कल गई थी तो? लेकिन उस आदमी ने मेरे थोड़े से बोलने का ही मुझसे बदला निकाला उसने, तुम्हें पता भी है। हाँ। वो कितना जालिम इंसान है। के जालिम है? क्या कर दिया? क्या कर दिया जी? देखो ये देखो मेरे पूरे पैर सूझे पड़े, डंडों से मारा है मुझे। तो क्या हो गया? पति तो मार सकता है, पति का तो हक है मारपीट करना, पति का तो वो होता है मारपीट करना, अगर उसने अपनी औरत पे हाथ भी उठा दिया तो तुझे अपने ये मुहले के यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम कैसे जालिम बाप हो? मैं जालिम बाप नहीं हूँ, तू जालिम है। तू अपने पति का घर छोड़ आई और मैं यहाँ बन के दिखा रही है, मेरी नाक कटा दी तूने समाज में। चार दिन तेरी शादी को लिए मुझे वहाँ भेजा था? अरे पिटले के लिए नहीं भेजा था, अगर पति अगर गलती से हाथ उठा दे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका घर छोड़े आते हैं। गलती से? वो मुझे जान से खत्म कर दे, वो भी गलती से करेगा और क्या। एक बार घर से जब पिता के घर से लड़की चली जाती है तो उसका पूरा हक उसके पति का होता है, चाहे वो मारे काटे या जान से मार दे चाहे जिंदा जला दे, बेटी को वहीं रहना पड़ता है। और सुन तूने यहाँ आके अच्छा नहीं किया, चल निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी पिताजी। तू तो यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है, चाहे तू मर जा लेकिन यहाँ नहीं रहेगी। पिताजी पिताजी मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं रहना उस आदमी के साथ। पिताजी ये क्या हंगामा मचा रखा है, वो भी यहाँ गांव की गलियों में। गलियों में? एक बात बता, ये अपने घर से यहाँ आ गई, अच्छा लग रहा है मेरी नाक कट रही है समाज में है? अरे तो आएगी ही ना बेटी, आप घर या बाप घर? आप घर ही सही है, बाप घर जगह नहीं है। अरे जब वो जालिमों की तरह अत्याचार कर रहा है उस पे तो कहाँ जाएगी?
नहीं तो क्या हो गया, अगर एक आध बार हाथ उठा दिया तो पति ने पति का तो हक होता है, अगर वो खिला रहा वो है तो मारेगा भी तो वही, और क्या हम मार जाएंगे पिताजी। वो इंसान खाने तक का हिसाब लगाता है, लेगा नहीं हिसाब, कमा के तुझे खिला नहीं रहा। कैसे बाप को बताओ, एक लड़की, मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी नाक कट रही है, समाज में मेरी उछल रही है पगड़ी, ये अपने घर जाएगी क्योंकि इसके लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं। अच्छा, अब तो तुम्हारी पगड़ी हट रही है, लेकिन जब 60 साल के बुड्ढे के साथ तुमने इसकी शादी की थी तब तुम्हारी पगड़ी नहीं उछल रही थी। मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है, मेरी बेटी है, मैं इसको आग में कुएं में ढकेलूंगा, वो मेरी मर्जी है, बस मैंने शादी कर दी, अब इसका ये घर नहीं है, इसका वही घर है। और सुन, चल यहाँ से, मैं तुझे अभी हत्या छोड़ के आऊंगा। पिताजी, अरे दादी, क्या कर, कितना हरामी आदमी है ये। दमाजी, तू अंदर चल। नमस्ते तो गई ऐसी तैसी में। देखो, मैं इज्जतदार आदमी, उस चक्कर में आपके घर पे अपनी बेटी को छोड़ने आया हूँ। वैसे आपने ऐसा किया कैसे, मारा कैसे मेरी लड़की को? अब मैं आपके नाम FIR करने जा रहा हूँ, सुनो तो मैं जेल कराऊंगा। अरे ससुर साहब, मेरी सुन लो, इनने गांव में बेइज्जती करी, हाँ? मैंने वो ही बर्दाश्त करी, हाँ? जब मैं तुम्हारे घर से आ रहा था, हाँ? तो इसने रस्ते में घर पे आके मुझसे बेइज्जती करी जब मैंने मारा। अगर अच्छा मारना हुआ, अरे सुनो, मैंने ज्यादा नहीं मारा, बहुत हल्का सा प्यार से, समझे? अब ऐसा है ससुर साहब, आप वहां मत जाइए पुलिस थाने, अगर आपको कुछ पैसों की जरूरत है, हाँ? तो वो मैं देने के लिए तैयार। देखो, मन तो नहीं कर रहा कि तुमसे मैं पैसे ले जाऊं, क्योंकि मेरा सम्मान भी अपनी जगह है, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं बात, अगर ज्यादा ही तुम कह रहे हो तो ऐसा कर लो, 5 लाख की व्यवस्था कर लो। 5 लाख? नहीं तो कोई बात नहीं है, थाने चौकी बहुत। वैसे अपनी हैसियत से ज्यादा मांग लिया आपने। नहीं तो कोई बात नहीं, अब दे रहे हो या नहीं? अरे, मिलते हैं, मगर बहुत ज्यादा चौकने कर दिए, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, 10 रुपए के आदमी, हमारी औकात नहीं है, 1 लाख की, करोड़ की। एक बात सुनो, औकात तो इतनी है, बेटी ब्याही है, अगर चाहूं तो इतने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाऊंगा। अगर तुम मुझे 5 लाख दे दोगे तो सुनो, तुम तो मेरी औकात हैसियत की बात कर रहे हो, अगर मेरे पास 5 लाख आ गए तो तुम मेरी लड़की को मारना, तोड़ना, जिंदा जला देना, मैं तुम्हारे दरवाजे में नहीं आऊंगा दोबारा। ठीक है, हम आपको 6 लाख रुपए देंगे। कब? बस मैं बैंक जाता हूँ, हाँ? और बैंक से लौट के आता हूँ, आप मेरा इंतजार कीजिए। ठीक है, तो मैं अंदर बैठा हूँ, कुछ आप बैठो, मैं आ रहा। कैसा? डॉक्टर साहब, आप कहाँ थे? डॉली, कर दिया सीधा, अब तुझसे ये उंगली भी नहीं उठा पाएगा, हाथ तो बहुत दूर की बात रही। और सुन, अब आगे से तेरे से कुछ भी के, चुपचाप कमरे में बंद होकर मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लियो अपने ऊपर, बाद में इनके जन बच्चे से लेके जेल में फिसवा दूंगा। आग लगा लूं? इसका मतलब तुम ये चाहते हो मैं आग लगा के मर जाऊं? नहीं कह रहा, ऐसे कह रहा हूं, नेक पल्लू में आग लगा लियो, पल्लू में आग लगा के इन्हें डरा दियो, डर धमक जाएंगे तो जिंदगी में तुझसे फिर कुछ कहेंगे नहीं, समझ गई? ठीक है ना, अब तुम चिंता मत कर, मैंने ऐसा कर दिया है कि पोटुआ तक नहीं लगा पाएगा, उंगली तक नहीं लगा पाएगा तुझसे। चल तू जा, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं, थोड़ा दामाद जी से और भी कुछ बात करनी थी मुझे। वो तो ठीक है पिताजी, ऐसा तो मैं कर लूंगी, लेकिन एक ये बात बताइए, तुम्हें ऐसा करके क्या खुशी मिलती है? खुशी नहीं मिलती, मैंने तुम्हारी ही बेटी हूँ, मुझे लगता नहीं पिताजी। मेरी बात सुनेगी नहीं, मैंने तेरे भविष्य को सुख में डाला है, देख ये बुड्ढा कितने दिन का, 5 साल 7 साल या लास्ट खींच के 10 साल, 10 साल बाद ये मर रहा है, ये बात निश्चित है, और ये जब मरेगा तो इसकी सारी संपत्ति तेरी होगी, आराम से सुख का जीवन काटियो, हर जगह पैसा ही पैसा होगा, तुझ पर सब बात व्यवस्था एक नंबर होगी, और देख अब ये तुझसे कुछ कहे तो लगा पल्लू में आग और डरा दे, फिर ये जिंदगी में तुझसे हाथ नहीं लगा। ये प्रॉपर्टी पिताजी मेरी नहीं, तुम लेना चाहते हो ना, ना? क्योंकि तुमने प्रॉपर्टी की वजह से ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कैसी बात कर रही है, कोई अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करता है? मैंने तो सुख में डाली है तू। पिताजी मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, चाहे उसके पास थोड़ा होता लेकिन लड़का तो अच्छा होता। बकवास मत कर, लड़का नहीं बुड्ढा है। अरे तो क्या हो गया, बुड्ढा है तो तेरा पति। और देख, मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूँ और अब फिर समझा रहा हूँ, देख मैं प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात को मान ले, ये तेरे देवता है, पति है, स्वामी है, तू इसकी अर्धांगिनी है, तेरे को इसी के साथ जीवन काट रहा है, जब ये 10 साल बाद मरे फिर बात की बात है, फिर देखा जाएगा क्या करना है। फिलहाल
इसी के साथ जीवन काटना है। और सुन, अब जुबान मत लड़ो यू उनसे, जा अंदर जा। पिताजी वो तुमसे भी बड़ा है। अरे तो क्या हो गया, मुझसे भी बड़ा है, जा अंदर जा, मुझे बकवास मत दे, चल। सब आ जाती है समझाने पर मैं क्या खोपड़ी मेरी ऐसी है कि अच्छे अच्छे को भी बना दूं, 6 लाख का इंतजाम हुआ है, आराम से लड़की को तो सुख में डाल दिया, अब मेरा भी सुख का जीवन शुरू। और इसके मरने, बुढ़े के मरने के बाद इस पूरी प्रॉपर्टी पे कुंटी मार के एक काले नाग की तरह बैठ जाऊंगा। हाँ, लड़की मर जाएगी तब भी पैसा मेरा, और ये बुढ़ा मर जाएगा तब भी पैसा मेरा। मेरे हाथ, दोनों हाथों में तो चांदी के लड्डू हैं, चांदी के बरक लगे हुए, इससे भी खाऊंगा और इससे भी खाऊंगा। अब आ जाए बस ये पैसा लेके, मैं निकलूं यहां से। सुसर जी, सुसर जी, देखो तुम मुझे ससुर जी मत कहा करो, अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुझे, चलो कह दिया तो कोई बात नहीं। यही लगता है, मैं और कुछ नहीं कह सकता। इंतजाम हो गया? इंतजाम? अरे हमने आपको 6 लाख कर दिए 5 के, इंतजाम क्या होता? पूरे हम तो संजय चौधरी हैं, पूरे तो हैं, पूरे तो सुनो, एक और ज्यादा दिए हैं तो मैं, और अब हम कुछ भी करें सुनो, ये याद रखना, अब हमारी घर की तरफ निगाह उठाकर मत देखना, अब हम तुम्हारी बेटी को मारें देखो या छोड़ें देखो या आग लगा के मार दें। अरे मेरी तो सुन लो, देखो अब इस लड़की पे पूरा हक तुम्हारा है, मारो काटो आग लगाओ, मैं तुम्हारे दरवाजे पे देखूंगा भी नहीं, ये निकल आज के बाद इसकी पूरी जान तुम्हारी, ठीक है? चलता, ठीक है, निकल चलो। कैसे कैसे बाप है। डॉली, डॉली, बारो जी, आज के बाद इस चौखट से कदम बाहर नहीं निकालना, ना पिता की तरफ ना उस गांव की तरफ। और सुन, अब तेरा घर नहीं है, क्योंकि तेरे बाप को हमने 5 लाख नहीं, उसको 6 लाख रुपए दिए, ना वो इस दरवाजे पर आएगा हमारे गांव के अंदर, ना तू उस गांव में जाएगी उसकी दरवाजे पर, आ गई समझ में? और सुन, आज के बाद संजय चौधरी की बात सुन ले, कभी बाहर ना देख लूं, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा, ये याद रखना। पिताजी तुमसे 6 लाख रुपए ले गए? उसने तो सिर्फ अपनी औकात, उसकी कुछ थी ही नहीं हमारी नजरों में, उसने तो सिर्फ 5 लाख मांगे थे, अगर वो 10 मांगता ना तो हम 15 देते, मगर हमने कहा उसकी औकात के मुताबिक ही दिया जाए, समझ गए? और चल अंदर, चल, आज के बाद दिखना नहीं। इसका मतलब मेरा बाप तो जल्लाद था, लेकिन तुम भी जल्लाद निकले? क्या भक्ति है, क्या भक्ति है, हाँ? हम जल्लाद हैं, हम जल्लाद हैं, हैं? अरे तेरी और तेरे बाप की औकात नहीं थी, जल्लादों से भी ज्यादा जल्लाद। जितने बड़ों घरों में तुम लोग ब्याए हो, कुछ तो मतलब क्या चाहते हो तुम लोग, हैं? क्या चाहते हो, मतलब हर चीज तुम्हारे मुताबिक मिलेगी? तुमने है? मेरे अरे बाप अपनी हैसियत देखा करो बोलने से पहले, समझे? तेरे बाप को नहीं खरीद लिया, तेरे बाप को भी बाप को खरीद लिया हमने। आज समझ में आया कि उस जल्लाद बाप ने सिर्फ पैसों के लिए मेरी शादी की थी वो। चल अंदर चल, आज के बाद दिखना नहीं बाहर। और बताओ बहन जी, गांव के हालचाल? बढ़िया भैया, गांव के हालचाल भी सब ठीक ठाक है। अच्छा अच्छा। और वो क्या कहते हैं, बस यही है कि अब मैं सोच रही थी कि घर चली जाऊं, घर चली जाऊं, फोन आया था। अरे बहन जी देखना, सफर दलाली में कहां जा रहे हो? अरे चलो एक काम करते, जरा हम भी देखते हैं जाके ये जा कर रहा है। मुझे लगता है कोई ना कोई घंटोली बांध दी इसने। अरे अरे कहां वाला, अरे 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 क्या हो गया, क्या बात हो गई, कहां लंबे लंबे पैसरा मार रहे हो? भैंस खुल गई तुम्हारी? अरे इन पे तो भैंस आई नहीं, भैंस नहीं है इन पे, भैंस नहीं है ये तो भोजे पूरे भो हैं, बैल हैं। अरे सुन तो ले, बहुत दुख की बात है। क्या? डॉली मर गई। डॉली मर गई? तुम्हारी बेटी खत्म। कैसे? आग लगा दी ससुरालियों ने। अरे राम, इसका मतलब उस बुड्ढे ने? हाँ।
मुझे तो तुम वहीं जा रहे हो, चलो हम भी चलते हैं। चलो हम भी चलते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ना बात समझो, उस बुड्ढे को ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, और सुन सुखा, जन बच्चे से जेल में सड़वा दूंगा, फांसी लगवाऊंगा उस बुड्ढे को, तो 5 साल जा उसकी जिंदगी रह गई, उसमें से आज ही आज की जिंदगी छोड़ो। तो हम साथ चल रहे हैं ना, हम गवाही दे देंगे। अगर तुम लोग गए तो फैसला करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब चार लोग समाज में जुड़ते हैं तो उस बात का फैसला करना पड़ता है, और मैं फैसला करने का कोई मूड में नहीं हूं। मैं उसकी मिट्टी खराब कर दूंगा, उसने मेरी बेटी में आग लगाई है ना, मैं उसकी जिंदगी में आग लगा दूंगा। मैं चल, अरे तो हम चल रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, सपोर्ट के लिए भी तो कोई चाहिए। क्या सपोर्ट के लिए ही तो नहीं चाहिए, अगर तुम लोग मेरे साथ जाओगे तो मुझे माननी पड़ेगी समाज की बात, क्योंकि 4-5 चुसने भी इकट्ठे कर रखे होंगे, और जब हमारे पास से जाएंगे तो एक दूसरे की बड़े बूढ़े की बात माननी पड़ती है, और मैं नहीं चाहता कि मैं इस बात को मानूं। जब तक मैं अपनी लड़की की मौत का बदला नहीं ले लूंगा, जब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। अरे अरे बताओ, अरे यार लेकिन वो मर कैसे गई? मुझे तो लगता है वो जो उस जिससे शादी की थी ना, उस बुड्ढे ने, उस बुड्ढे से, भाई मुझे तो उसकी आंखों में कुछ वैसा खून दिख रहा है उस बेटी का, उसने ही बेचारी वो मारी है, क्योंकि वो तो इतनी बेचारी बहुत सीधी थी बहन जी। चलो अब ये पता लग जाएगा जब आएगा। अरे ताऊ जी आ गए आप? आ गया। लेकिन क्या हुआ वहाँ पे डॉली के वो केस में, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे सब जेल चले गए ना? चले गए, बता तो रहा हूँ, गया मैं, मुझ पे तो लड़की का चेहरा भी नहीं देखा गया। ज्यादा जला दी थी? पूरी जला दी, झुलस गई छोरी। अब करता भी क्या, अब छोरी तो मर गई, अभी मान ले मैं उन्हें जेल थाने चौकी कराता तो नाक किसकी कटती, दामाद तो हमारे ही है। अरे अब भी तुम्हारा दामाद है? अरे कोई बात नहीं है, बुराई करी, उसमें डॉली की भी गलती थी, डॉली हाथ उठा गई थी उन पे, इस चक्कर में उनने तो हाथ ही तो उठाया था, हाथ काटा थोड़ी नहीं था। अरे कोई बात नहीं लड़की, कोई बात नहीं है, जब थोड़े बहुत किले सिकवे हो जाते हैं तो सामने वाले को माफ करना। एक बात बताओ, वो रोज जिस दिन से शादी हुई वो रोज मारपीट करता था, अगर एक दिन उसने हाथ उठा दिया तो क्या कर दिया? अरे मैं बताना नहीं चाह रहा तुझे, मेरी लड़की में कमी थी। अरे वो नए नए लड़कों से बात करती थी फोन पे। क्या? दामाद जी को पता लग गया, दामाद जी ने समझाई होगी तो दामाद जी पे हाथ उठा गई, दामाद जी ने कही होगी कि तू ऐसा क्यों करती है, तो वो बोली मैं तो ऐसे ही करूंगी, तू बुड्ढा है इसलिए। तुम और वो बुड्ढा झूठ बोल रहे हो, जब तुम्हारे यहाँ रहती थी तुम किसी से बात तो करने देते नहीं थे, और वो लड़की ऐसी है ही नहीं। यही तो गलती हो गई कि मैंने उसे किसी से बात नहीं करने दिया, नहीं तो मेरी लड़की मेरे हाथ से नहीं निकलती। शादी के बाद ये कह रहे थे दामाद जी 5-6 लड़कों से बात करती थी। मैं मान ही नहीं सकती ताऊ जी इस बात को। माने माने मत माने, मैं तो चल रहा हूँ लल्ली। इस बैग में क्या है? इसमें 50 लाख रुपए हैं। हाँ? हाँ। 50 लाख? हाँ। किस बात के? फैसला किया है। मतलब 50 लाख रुपए? 50 लाख और 20 बीघा जमीन। 20 बीघा जमीन? हाँ। वो किसके नाम है? मेरी है, और तो और कोई है नहीं है, लड़की मर गई, आगे पीछे मेरे भी कोई नहीं है, अब सब उनने मेरे नाम कर दिया है, अब कुछ नहीं, बस गंगा जी नाम का चैन की जिंदगी जीऊंगा, चल रहा हूँ। लेकिन हाँ? मतलब लड़की की लड़की गई? हाँ? और पैसा भी दिया है? क्या करता, अगर मैं जेल थाने करा देता तो 1 रुपया नहीं आता, और देख सुन अगर मैं जेल थाने करा देता तो क्या कहते हैं मुझे क्या फायदा मिलता। एक बात बताओ, एक ही लड़की थी, इकलौती लड़की थी तुम्हारी, अब वो लड़की चली गई बेचारी, अब कैसे जीवन कटेगा तुम्हारा? जीवन तो कट जाएगा लल्ली, 50 लाख मिल गए, 20 बीघा जमीन मिल गई है, कहीं अनाथ आश्रम से 1-1.5 लाख जमा करके किसी लड़की को वो ले लूंगा, अनाथालय से ले लूंगा, और क्या कहते हैं उसके नाम से 1-1.5 लाख रुपए डाल दूंगा, फिर उसका आगे चल के ब्याह कर दूंगा। फिर उसे आग लगा के मार देंगे? ना ना, फिर उस पैसे पैसा ले लूंगा। बेटा हर बार ऐसा थोड़ी होगा, अब के परिवार गलत मिला, आगे का सुख का मिले। एक बात तो है, तुम लोगों को ना भगवान सब तुम्हारे ऊपर सब देख रहा है, भगवान ऊपर से तुम लोगों के एक एक गुना सब लिख रखे हैं उसने अपने ऊपर। कोई बात नहीं है लल्ली, ठीक है ना, गुना तो सब करते हैं, कोई आंखों देखा करता है, कोई बिना देखे करता, चलता हूँ। कैसा आदमी है बताओ, एक नंबर का हरामी, अपनी बेटी को खा गया। अरे चाओ राम राम, अरे क्या हुआ, तुम गए? गया था, कैसे बताऊं, देखने गई लड़की, अरे पूरा चेहरा झुलस गया मेरी छोरी का। इतने बुरी तरीके से, मतलब दामाद जी ने, मतलब इतनी बुरी तरीके से? बुरी तरीके से क्या बताऊं सुक्का, दामाद जी की कोई गलती नहीं है, लड़की में मेरी में कमी थी, 5-5 लड़कों से बात करती थी वो।
है फोन पे। मुझे लगता तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ना ना ना, सबका ऐसा था, वो किसी से लड़के से बात कर रही होगी या मिल रही होगी, तमाची ने देख लिया। अब भैया आदमी दुनिया की सब चीज बांट सकता है लेकिन अपनी औरत को नहीं बांट सकता, और औरत अपने आदमी को नहीं बांट सकती, तो वो कैसे देख लेते। अब उनसे जुबान लड़ाने लगी, उन पे थप्पड़ वप्पड़ मार दिया दमाद जी पे। अब दमाद जी भैया कब तक आदमी सहन करेगा, ऐसा हुआ। अच्छा चलो एक बात बता, तू इसके साथ क्या कर रहा है? नहीं। ये तो एक नंबर का धोखेबाज और लीचड़ गिरा हुआ आदमी है, मुझे पता, तुझे भूत की कहानी पढ़ा रहा होगा। ये अपनी बेटी की बात बता रहा है। अरे बेटी की बात नहीं, खुद बेटी को खा के आया ये। हाँ, और देख 50 लाख रुपए ले आया खुद बेटी। मुझे पता है तुझे तू चूतिया बना लेगा, लेकिन मुझे 20 बीघा जमीन बता रहा है 50 लाख रुपए। पागल बता, और क्या 20 बीघा जमीन नाम करा ली अपने, 50 लाख रुपए लिया है। इसका मतलब बेटी को मारने में हाथ इनका है। मारने में तो खा हाथ उसका है। तुम दोनों चुप हो जा, मेरी बेटी मर गई और तुम दोनों को आनंद आज के बाद तुम अपना मुंह काला कर लो और इस गांव से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मुझ पे इतना पैसा है कि तुम लोग आज के बाद मेरी मेरे से निगाह नीची करके चलोगे। मैं तो कह रही हूँ इसके, इसका ना परछाई भी अपने ऊपर मत पड़ने दिया कर। इसकी अकड़ अब भी नहीं जा रही बुड्ढे की, मुझे अब भी ऐसा लगता है कि कुछ और कौतिक पालेगा ये बाद में। अरे इसी ने अपनी बेटी खाई है। अरे हम कर भी क्या सकते हैं, इतनी अच्छी बेटी थी। चलो